प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर डेली वीडियोस एंड आल्सो लाइक माय वीडियोस. थैंक्स अ लॉट. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna. अस्सलामुअलैकुम. कैसे हैं आप सब? मैं हूँ अलीशा फरीद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शाइनिंग स्टार रेसिपीज. तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त सी, खुशबूदार सी, मज़ेदार सी आलू मेथी का सालन. ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा. ये बहुत ही आसान स्टेप्स में बन जाता है. तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ. यह मैंने मेथी लिया जिसको कि मैंने बारीक बारीक इस फॉर्म में काट लिया है. 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन बारीक चॉप्ड. 2 अदद टमाटर मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए. 1/2 कप कुकिंग ऑयल. 1 कप प्याज रफली चॉप्ड. 1 टेबलस्पून हरी मिर्चें बारीक कटी हुई. आप लोग इसको चॉप करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और यहाँ 1/2 kg आलू जिनको कि मैंने अच्छे से छिलका उतार के इस फॉर्म में काट लिया है, ना ही बहुत ज़्यादा बारीक और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे. और 1/2 लेमन और 1 teaspoon ज़ीरा, साबुत ज़ीरा. और 1 tablespoon लाल मिर्च पाउडर, 1/2 teaspoon काली मिर्च पाउडर, 1/2 teaspoon ददरी कुटी लाल मिर्च, 1 teaspoon खुश धनिया पाउडर, 1 teaspoon नमक और 1 teaspoon ही हल्दी पाउडर. तो चलते हैं इसको बनाने की तरफ. सबसे पहले जो है वो अक्सर लोगों को मेथी काटनी नहीं आती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को सिखा दूं. तो इसको इस फॉर्म में हमने पकड़ लेना है और देन इसको इस तरह से हमने बारीक बारीक काटना है. ये देखिए बिल्कुल बारीक ही कटी होनी चाहिए ताकि ये अच्छे से वेल कुक हो सके. तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको काट लिया है और देन अच्छे से हम वॉश कर लेंगे. तो चलते हैं इसको बनाने की तरफ. तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई के अंदर 1/2 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया. जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हुआ हमने इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया. जस्ट 1 मिनट ज़ीरे को हम कुक करेंगे और देन इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे. प्याज ऐड करके हल्का सा जो है वो हम इसको कलर आने तक पकाएंगे. हमने जो है वो बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, जस्ट हल्का सा सौते करेंगे बिल्कुल इसी फॉर्म में. जस्ट 2 मिनट लगेंगे. ये देखिए ये परफेक्टली जो है वो सौते हो गए हैं. तकरीबन 2 मिनट लगे हैं. देन इसके अंदर जो है वो हम अदरक लहसुन बारीक चॉप ऐड कर देंगे. ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अगेन 2 मिनट इसकी बुनाई करेंगे. तो 1 से 2 मिनट बुनाई करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड किए हैं टमाटर. अब टमाटर को सॉफ्ट होने तक जो है वो हम इसको अच्छे से पकाएंगे. तो ये देखिए यहाँ टमाटर जो है वो हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं. और देन हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं आलू. आलू जो है वो तकरीबन 1/2 kg हैं. आलू आपने बहुत ज़्यादा बारीक ना ही बहुत ज़्यादा मोटे ऐड करने हैं. यहाँ 2 मिनट मैंने आलू को अच्छे से पकाया है इसके अंदर. और जस्ट 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है ताकि हमारे आलू जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं. और इसको बिल्कुल लो फ्लेम करके 2 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया. तो ये देखिए यहाँ हमारे जो आलू हैं वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाएंगे. और अब जो है वो हम इसके अंदर अपनी स्पाइसेस ऐड करेंगे. स्पाइसेस ऐड करके इसको जो है वो हम अच्छे से इसकी बनाई करेंगे. इस दौरान अगर आपको पानी भी ऐड करना पड़े तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लें, लेकिन इसकी बुनाई जो है वो हमने परफेक्टली करनी है. तो ये देखिए ऑयल बिल्कुल परफेक्टली सेपरेट हो गया है. तकरीबन मैंने जो है वो इसकी तकरीबन 4 मिनट बुनाई की थी अच्छे से. अच्छे से बुनाई करने के बाद हम जो है वो इसके अंदर अपनी बारीक कटी हुई अच्छे से वॉश करके मेथी ऐड कर देंगे. तो मेथी को जो है वो हमने अच्छे से वॉश करना है. और अक्सर लोगों को जो है वो मेथी में से एक हल्की कड़वाहट सी फील होती है, तो मैं उसका भी आपको हल बता दूं.
कि अगर कुछ लोगों को, वैसे तो ये कड़वी नहीं बनती लेकिन अक्सर लोगों को लगता है कि ये कड़वी बनती है, तो आपने जब इसको वॉश करना है, वॉश करने से पहले आपने पानी लेके उसके अंदर 2 टेबलस्पून नमक ऐड करके मेथी को अच्छे से भिगो देना है। 5 मिनट के बाद इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। तो ये देखिए हमने जो है वो मेथी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है बिल्कुल परफेक्टली। अगर आप उस फॉर्म में मेथी को वॉश करेंगे तो इसमें से कभी भी कड़वाहट नहीं आएगी। और मीडियम लो फ्लेम पे जो है वो हम इसको मेथी को इसी के पानी में पकाएंगे, इसके अंदर पानी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ देखें ये मेथी ने जो है वो अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। मेथी अपने ही पानी में पकती है, इसके अंदर पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही ऐड करते हैं। तो ये देखें काफ़ी मिकदार में जो है वो इसने पानी छोड़ दिया। तो ये नहीं कि आपने दरमियान में इसमें चमचा नहीं चलाना। और देन इसके अंदर जो है वो हरी मिर्च ऐड कर दी है। हम जो है वो तकरीबन इसको दरमियान में चमचा चलाते रहेंगे। तो ये देखें तकरीबन मीडियम लो फ्लेम पे 10 मिनट के बाद हमारी मेथी जो है वो परफेक्टली रेडी हो गई है। ये देखें अब जो है वो हम इसको हाई फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट पकाएंगे। हाई फ्लेम पे ये करना ज़रूरी होता है ताकि इसका जो है वो ऑयल सेपरेट हो सके और पानी अच्छे से ड्राई हो सके। तो ये देखें ये कितनी खूबसूरत, इतनी ज़बरदस्त सी, खुशबूदार सी हमारी मेथी तैयार हुई है। तो यहाँ तकरीबन 10 मिनट बनाई कंप्लीट हो गई है। हमने जो है वो इसकी 10 मिनट ही बनाई करनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं करनी। और ये देखिए कैसे परफेक्टली ज़बरदस्ती तैयार हो गई है। और अब जो है 10 मिनट बनाए के बाद फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और जस्ट जो हाफ लेमन था वो इसके अंदर ऐड करेंगे। आप लोग लेमन की जगह आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है, अदरवाइज़ आप लेमन ही ऐड कर दें। और देन अच्छे से इसके अंदर चम्मच चलाएंगे। तो जी हमारी ज़बरदस्त सी, मज़ेदार सी, खुशबूदार सी आलू मेथी बनके तैयार है। अगर आपको लगता है मैंने इस वीडियो में आप कुछ भी नया सिखाया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा अल्लाह ताला आपको और मुझे दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबी और कामरानियाँ अता फरमाएं। आमीन।